Hello and welcome to 22nd episode of Knee Pain Relief Series. I am Dr. Varun Vasel और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे knee care after 40 years. ये वीडियो इतना important वीडियो है specially knee pain वालों के लिए क्योंकि मैंने अपनी consultations में और अपने patients में ये देखा है कि 40 साल के बाद जो degeneration है जो हमारा osteoarthritis जो हम बोलते हैं वो 40 साल के बाद आना शुरू हो गया है. क्यों? क्योंकि पहले आता था ये 50 years के बाद, यानी कि जब degeneration शुरू होती थी तो मानी जाती थी कि 50 साल के बाद. अब आ रही है अर्ली आ रही है, इसलिए अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आपके एक्सरे में एमआरआई में लिखा होता है. अब वो क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि ये हमारा फीमर है और ये टीबी है, जब इनके बीच में ये जो स्पेस होती है, जो गैप होता है, ये कम होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो शुरू हो गया है. अब ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ 40 इयर्स, क्योंकि 40 इयर्स के बाद ही ऐसी चेंजेस हैं वो जो शुरू होती हैं आना. तो अगर हम उसी में अपने आप को, अपनी बॉडी को संभाल लेंगे और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इजीली इसको बचा सकते हैं. अब अगर हम इसकी बात करें कि ये कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जी डीजनरेशन की वजह से, तो अगर डीजनरेशन की वजह से ही होता है तो फिर तो सबको होना चाहिए और सबको होता भी है, पर पेन किसी किसी को होता है. अब पेन उनको होता है जिनका मसल वीक होता है. तो हमने अब इस वीडियो में यही देखना है कि हम नी के अराउंड ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जो 40 साल के बाद वाले लोगों को भी हम इन चीज़ों से बचा सकें, उनकी पेन से बचा सकें. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. तो अब आपको पता लग गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा गैप कम होता है. किसी ने ये नहीं कहना कि गैप आ गया, मोस्टली यही लोग बोलते हैं कि गैप आ गया, हमारे घुटने में गैप आ गया. ऐसा नहीं होता, गैप कम हो जाता है. अब उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमने केयर करनी है, अवॉइड ओवर एक्टिविटी. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है 40 साल के बाद, 40 साल से पहले तो बड़ा अच्छा नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, 40 साल के बाद पता नहीं उनको क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को और इंक्रीज कर देते हैं, जंपिंग, रनिंग, मैराथन, ऐसी चीज़ों को और बढ़ा देते हैं. वो देखा देखी पता नहीं कहाँ से वो सुनते हैं या देखते हैं या उनको उतना शौक बढ़ चढ़ जाता है अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करने का. ओवर एक्टिविटी हमने इसमें कम करनी है क्योंकि ये हमारे जो डीजनरेशन है उसको हमने कम करना है, ना कि बढ़ाना है. तो इसलिए जितना हम ओवर यूज़ करेंगे नी का उतना डीजनरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि मसल इस यहाँ पे तो डीजनरेशन शुरू हो चुकी है. तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, वो ऑलरेडी काम कम करते हैं, तो उनसे काम कम लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा काम लेना चाहिए. तो ओवर एक्टिविटी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर दो, वॉक बंद कर दो, अपने नॉर्मल डेली रूटीन की हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. पर जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग बहुत एक्सेस में वॉक कर रहे हैं, घंटा घंटा दो दो घंटा वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक खड़े हैं या ज़्यादा देर तक अपनी जिम में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नी के सहारे ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बहुत सारा वेट उठा रहे हैं वो नी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. और उसको नी प्रेसअप करते हैं जो, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो ओवर एक्टिविटी हमने 40 के बाद बंद करनी है. सेकेंड आता है प्रॉपर एक्सरसाइज. प्रॉपर एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने मैं बोला था कि डीजनरेशन तो सबको होनी है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी किसी को होता है. वो इसलिए क्योंकि उसके मसल अच्छे होते हैं, तो जिनके मसल अच्छे होंगे उनका जॉइंट पे स्ट्रेस कम आएगा. तो इसमें हमने प्रॉपर एक्सरसाइज में आएगा कि हमारे जो नी है उसके एडजेसेंट जॉइंट जैसे एंकल और हमारा हिप है, इनकी भी एक्सरसाइज साथ में करें ताकि हमारा नी जॉइंट है वहाँ पर स्ट्रेस कम आए, लोड कम आए. क्योंकि अगर इनके मसल अच्छे से काम करेंगे, एक प्रॉपर चैनल में पूरा का पूरा पिलर टाइप काम होगा, तो वो सारी जगह पे प्रॉपर वेट पड़ेगा, एक बैलेंस्ड वेट हमारा लोड पड़ेगा पूरे नी पे. तो इसलिए हमने जो नी का लोड है वो नी जॉइंट से कम करना है. इसीलिए हमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, इनकी प्रॉपर मसल बैलेंस बना के रखना पड़ता है. स्ट्रेंथ भी और स्ट्रेचिंग भी दोनों इसका काम आता है. तो इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ओवर एक्टिविटी से बचना है. तो हमने इसकी जो नी की नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती है वो करनी है. मैं इसमें आपको बताऊंगा, अभी एक और इसका एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आफ्टर 40 इसको हम ठीक रख सकते हैं. तो फिलहाल के लिए मेरे दो वीडियोस बने भी हुए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं. इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. दोनों मैंने वीडियो एडवांस भी बनाया और बेसिक भी बनाया, पर हम एक आफ्टर 40 वाला भी एक वीडियो आज जल्दी तैयार करेंगे. तो प्रॉपर एक्सरसाइज में हमने नी की स्टेबिलिटी बना के रखनी है ताकि जॉइंट पे स्ट्रेस कम आए. इसीलिए आपको, क्योंकि गैप मैंने कहा है कि सबका कम होना है, पर अच्छा पेन उसी को होगा जिसका मसल वीक होगा, क्योंकि वो जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा डालता है. तो जिसका मसल स्ट्रांग होगा उसका कोई मुश्किल नहीं आएगी, उसको वो आराम से चलता फिरता रहेगा. थर्ड आता है अवॉइड क्रॉस लेग सीटिंग. क्रॉस लेग सीटिंग तो मैं हमेशा मना करता हूँ. बहुत सारे डॉक्टर भी कहते हैं कि नी को ज़्यादा मोड़ के नहीं रखना, क्योंकि कई लोग जब कार में ट्रैवल करते हैं आफ्टर 40 वाले, या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया, अर्ली चेंजेस आ रहे हैं उनमें, ग्रेड 1 होता है या 2 होता है, जब वो कार में बैठते हैं तो उनसे बैठ के उठा नहीं जाता.
इतना उनको प्रॉब्लम आती है नी में कि कोई नी फोल्ड रहता है काफ़ी देर तक तो बैठ के उठा नहीं जाता। यही प्रॉब्लम आती है जब हम ज़्यादा क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं। और कोई लोग तो वज्रासन लगाना शुरू करते थे 40 के बाद योगा देके, वो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि उससे आपके जो नी है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नी ज्वाइंट है वो एक स्टेबिलिटी ज्वाइंट है, जिसने वो एक वेट बियरिंग ज्वाइंट है, ना कि वो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है। फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स होते हैं हमारे शोल्डर बैक, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे। जो नी ज्वाइंट है वो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट नहीं, वो हमारा वेट लेने के काम आते हैं, इसलिए वेट बियरिंग ज्वाइंट है। तो उसकी स्ट्रेंथ बना के रखिए, ना कि उसको लूज करिए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हमने अवॉइड क्रॉस लेग सिटिंग। मेरा एक और वीडियो आया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हमारे सिटिंग मिस्टेक्स कौन कौन से हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे कमेंट्स में, तो मैं आपके क्वेश्चन लेके ही मैंने एक वीडियो पूरा तैयार किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और मुझे मेल भी किया है कि हमें आफ्टर 40, क्योंकि मैंने भी देखा है जितने हमारे पास MRI एक्सरेज आ रहे हैं नी की कंसल्टेशन के, सबकी एज ऑलमोस्ट 40 अबव है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस उन्हीं को होता है। जो 40 से नीचे वाले हैं उनको यहाँ तो ACL इंजरी हो रही है या उन्होंने पटेलोफेमोरल सिंड्रोम हो रहा है, पर ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। अब फोर्थ आता है रिड्यूस वेट। अब वेट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कईयों को थायराइड होता है उसकी वजह से वेट, कोई भी डायबिटिक है उनको भी प्रॉब्लम आती है, पर जो वेट अपना कंट्रोल करके रख सकते हैं उनको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माना गया है कि अगर हमारा 1 kg वेट बढ़ता है तो हमारे नी पे 6 kg का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, उस वेट को रिड्यूस करने के लिए अपनी वॉकिंग, अपनी रनिंग, जॉगिंग, इन सीरीज की एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। आपका वेट तो पहले बढ़ा हुआ है, आपका पहले जो नी है एक पर्टिकुलर वेट लेने के काबिल था, अब आप उस पर और ज़्यादा वेट बढ़ा के उस पर और स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करवा रहे हैं, फिर तो उसने काम खराब करना ही करना है, फिर तो आपका जो जॉइंट है वो खराब होगा। तो इसलिए जब रिड्यूस वेट के बात आती है तो ये डाइट के थ्रू वेट कम करिए, या नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, जैसे लेट के ही मेरी कुछ एक्सरसाइज है नीज की, या हमारे और भी कोई बहुत सारी एक्सरसाइज है वेट कम करने के लिए जो सीधा लेट के होंगे, जिसमें नी पे स्ट्रेस ना आए, वो आप कर सकते हो वेट रिडक्शन के लिए, क्योंकि वेट कम होगा उतने ज्वाइंट पे स्ट्रेस कम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ज्वाइंट पे स्ट्रेस कम करने की बात कर रहे हैं हर टाइम पे, क्योंकि डीजनरेशन को कोई रोक नहीं सकता, हम स्ट्रेस डालने से रोक सकते हैं, ताकि हमारा नी जो है वो और ज़्यादा देर तक अच्छा सा चल सके। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डाइट सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, लोग लेना शुरू कर देते हैं सप्लीमेंट्स, जैसे ग्लूकोसामाइन, विटामिन डी, ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आप अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको ले सकते हैं। डॉक्टर से सलाह इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपको क्या होता है कई बार और भी प्रॉब्लम होती है, तो इनके साथ वो लेना है कि नहीं लेना वो आपके डॉक्टर अच्छे से आपको बता देंगे। तो ऐसे ग्लूकोसामाइन, डाइसरीन, इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं कार्टिलेज को इम्प्रूव करते हैं, तो इसमें हमें ये लेने पड़ जाते हैं, पर ये इसको एक करेक्ट एज में लेना शुरू करिए। जब कार्टिलेज डैमेज हो चुका होता है तब उसको लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता, तो हमें एक पर्टिकुलर एज से शुरू कर देना चाहिए। कैल्शियम, मल्टीविटामिन, वो सब लेते रहिए ताकि हमारा नी अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहे, कार्टिलेज उसका बना रहे। तो ये हमारी जो 5 पॉइंट्स हैं, ये आपकी टेक केयर करने के लिए आफ्टर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जिसमें अपने अगर हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं वीडियो, तो वो एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि उनको अगर आपकी एज अब बढ़ रही है तो उनको एक दूसरे को शेयर करिए, ताकि आपको पता रहे कि हमें मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कोई गलत चीज़ से इसको ख़राब ना कर ले, गलत एक्सरसाइज से या गलत जो भी हम जिमिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए। और ये जो अबव 60 हैं उनको तो ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसके बाद हमारा जितना भी वो गलत काम कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। और इसको आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इनको बताइए कि यही काम करें, ताकि हम अपने घुटनों को बचा सकें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं नी के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चीज़ 50 में आती थी या 60 में आती थी, अब वो 40s में शुरू हो गई है। तो आप खुद सोचिए कि हमारा नी का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और किस तरह से लोग हमारा बैठने उठने की एक्टिविटीज़ से ख़राब हो रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिए, और आपको नी के जितने भी आपके आप वीडियो मिस अगर कर चुके हैं, तो उसकी नी की प्लेलिस्ट है, नी पेन रिलीफ सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है, बाकी 21 एपिसोड, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। आपका अगर कोई एपिसोड मिस हो गया, कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।